चलिए आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि साहब केमिकल रिएक्शंस जो अपने होते हैं वो जनरली केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का, अगर हम लोग बोले तो केमिकल रिएक्शन अपना कितने टाइप का, अगर हम आपसे कहें कि केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन वाइज ये रिएक्शन दो टाइप का है ना। एक को बोलेंगे इरिवर्सिबल और दूसरे को बोलेंगे रिवर्सिबल। क्लियर, कोई भी रिएक्शन है या तो इरिवर्सिबल होगा या तो रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब क्या कि लेफ्ट से राइट जो अपना कन्वेंशनल डायरेक्शन है, मतलब रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एक ही डायरेक्शन में अगर प्रोसीड करे तब क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हो और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आ रहा हो, तब ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, तो जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा इसको हम लोग डिस्कस कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमने बोला मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हुए स्टोइकोमेट्री, अगर मान लो अगर हमने कहा कि ये बैलेंस्ड है, यहाँ भी कोफिशिएंट वन यहाँ भी कोफिशिएंट वन, क्लियर, तो अगर हमने 5 मोल के साथ स्टार्ट किया शुरुआत में रिएक्शन तो इसका मोल कितना है, 0। मान लो थोड़ी देर के बाद ये 4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये 0 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ऐसा देखने में मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर हम इसके बारे में बात करें और यहाँ 5 मोल से स्टार्ट किया है और यहाँ 0 मोल से स्टार्ट किया तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो गया, 4 हो सकता है, थोड़ी देर बाद ये 1 हो जाए, है ना, थोड़ी देर के बाद ये 3 तो ये 2, ये 2 तो ये 3, ये 1 तो ये 4, ये 5 तो ये 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है इसमें, तो क्या बोलेंगे, ना ये पॉसिबल नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल है, इसके ऊपर सब कुछ पॉसिबल है, ये सिर्फ नहीं हो सकता। ये होने का मतलब क्या हुआ, अगर 5 और 0 ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 0 और 5 बोल रहा हूँ, 0 और 5 क्या ये पॉसिबल है, बोलेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाता इसका मतलब क्या है, सारे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। क्लियर, अगर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। क्लियर, तो फिर रिवर्स किधर हो रहा है, क्लियर है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्लियर है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, नो डाउट इसका अमाउंट कम होगा लेकिन एक वक्त आएगा जब इसमें कोई चेंज नहीं होना होगा। क्लियर, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम ना हो उसे बोलेंगे क्या, इरिवर्सिबल। हो सकता है वो यहां रुक गया, हो सकता है वो यहां रुक गया, हो सकता है वो यहीं रुक गया, या हो सकता है और आगे बढ़े 0.1 आ जाए और ये 4.9 तक पहुंच जाए, वट एवर बी द केस, ये डिपेंड करता है अलग अलग रिएक्शन पे। क्लियर है, नेचर ऑफ रिएक्शन पे कहां तक रिएक्शन जा रहा है, बट कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता, कौन, रिएक्टेंट। क्लियर है, अगर कंप्लीटली जीरो हो गया तो उसे हम रिवर्सिबल बोलेंगे ही नहीं, उसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। क्लियर है, गेट लगा दो। ठीक, तो लिखिए लिखिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस में पहला हेडिंग डालिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसमें लिखिए दोज रिएक्शंस which go for completion, those reactions which go for completion, that is reactant is completely consumed are called irreversible reaction, ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, कंप्लीट कब मानेंगे, जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए तब ऐसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट इसी में लिखना, इरिवर्सिबल में लिखना,
नेक्स्ट लिखिएगा, फोर इरिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग more than one reactant, one of the reactant may be limiting reagent, and another may be limiting reagent, and another may be excessive reagent. अगर irreversible reaction है तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मान लो कोई irreversible reaction है, let's say A plus B giving D, मान लो ऐसा, तो अगर हम लोगों ने बोला यहाँ 5 मोल है और यहाँ 2 मोल है और ये 0 मोल है शुरुआत में, तो ऑब्वियस है जब रिएक्शन खत्म होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बट इसका कुछ अमाउंट बच जाएगा और ऑब्वियस है कि इसका 2 ही मोल बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसका कुछ अमाउंट बच गया, तो ऑब्वियस है कि इस रिएक्शन के लिए बी क्या है लिमिटिंग रिएजेंट और ए क्या है एक्सेसिव रिएजेंट। ये बात कब वैलिड है? इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्लियर है? बट रिवर्सिबल में ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फोर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम is not valid or meaningless. Clear है? समझ गए? तो irreversible reaction में कोई equilibrium नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है? समझ रहे हैं? ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते करते पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म होना लाजिम है, क्लियर? अगला लिखो रिवर्सिबल रिएक्शंस लिखे, those reactions which proceed in both directions are called reversible reaction. Next point, reversible reaction never go for completion. That is, reactant is never consumed. क्या मतलब है reactant consumed नहीं होगा? मान लो अगर हमने बोला A से बन रहा है 2B, clear? और nature हमने ऐसा लिख दिया, clear? तो हो सकता है कि शुरुआत में ये 10 मोल हो और ये 0 हो, तो after some time ये 9 हो जाए, clear? After some time, ये 9 हो जाए, समझना बात को, यहीं पे सारी बात है। और ये क्या हो जाएगा, सोच के देखो कितना निकला यहां से, छोड़ो हटाओ 2 काय को, सीधा रखो 1 ही, है ना? तो यहां से कितना गया, 1 थोड़े उतारे गदा, यहां से 1 गया तो दोनों बनता है, अब हमने हटा दिया तो अब क्या बोलेंगे, अब 1, क्लियर? यहां अगर 8 हो गया तो यहां कितना होगा, 2। अगर मैंने बोला यहां 5 हो गया तो यहां कितना होगा, 3 होगा, 5 ना? और अगर यहां 2 बच गया तो यहां कितना, 8, है ना? और यहां अगर 1 हो गया तो कितना, 9, और 0.1 बच गया तब कितना आ गया, 9.9, ये सर नो, 0.01 अगर बच गया तब यहां कितना गया, 9.9
9 है ना, और 0.001 अगर हो गया तब क्या बोलेंगे, 9.999 एंड सो ऑन। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि यहां से क्या गया 0.1 ही गया, सॉरी यहां 9.9 बच गया, तो यहां से कितना गया 0.1। क्लियर? हो सकता है कि 9.99 है तो यहां 0.01, यही ना। यहां से लेकर के यहां तक एवरी कंडीशन इज वैलिड, कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं जहां आप ये कह दो कि साहब रिएक्टेंट खत्म हो गया, या आप ये भी नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला ही नहीं। अलग अलग बातें हैं। अगर ऐसा होता तब तुम बोले कि बदलना ही क्या बदलना है, बहुत कम है ना, और अगर यहां पहुंच गया तो बोले बचने की क्या बात है, लगभग तो खत्म ही हो गया, लेकिन जीरो यहां भी नहीं है और जीरो यहां भी नहीं है, ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। क्लियर? इन बीच में क्या बोलेंगे, हाँ अच्छा खासा गया, अच्छा खासा बचा है। क्लियर है? तो ये सिचुएशन हमें क्या बताती है, ये बताता है कि कितना रिएक्शन आगे बढ़ा है, कितना रिएक्शन आगे बढ़ा है। अगर हम बोले इनमें से तुम्हें कौन सा सुटेबल चाहिए अगर रिएक्शन कर रहे, तो बोलेंगे सर जितना आगे बढ़ा दो उतना अच्छा है, ये सर नो, बट वो तो रिएक्शन का नेचर है ना कि कहां जाकर के रुक गया। क्लियर? बट रुकता कभी भी नहीं है, रिएक्शन चलता रहता है, रिएक्शन हमेशा चलता रहता है। कौन सा? रिवर्सिबल। फिर रुकने का क्या मतलब है वो भी समझेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ मारी? मतलब जीरो कभी भी, दैट इज टेंस टू जीरो बट नेवर जीरो। क्लियर? यह है पहचान किसका, रिवर्सिबल का। ठीक है, अब एक बात आई कि मान लो अगर हम दो रिएक्टेंट सिस्टम लिए, ए प्लस क्या बी और यहां क्या सी। ठीक? क्लियर? हमने बोला ये था 10 मोल, ठीक है, और ये था 5 मोल, यहां से एक चला गया तो बोलेंगे यहां 9 बच गया, और यहां से एक चला गया तो 4, यहां एक बन गया तो 1, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये 8 हो जाए, ये हो जाए 3, ये हो जाएगा 2, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाए 7, और ये हो जाए 2, ये हो जाए 3, ये हो सकता है 6, और ये वाला 1, और ये वाला 4, ये हो सकता है 5, और ये हो सकता है 0। ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर? ऐसा कभी भी, हाँ आप यूं कह लो कि साहब ये 5.1 रह गया और ये 0.1 हो गया और ये 4.9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है? ये 5.01 हो गया, ये 0.01 हो गया, ये 4.99 हो गया, एवरीथिंग एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग एक्सेप्टेबल, बट जीरो कभी नहीं, जीरो कभी नहीं। जब भाई साहब इनमें से कोई जीरो हो ही नहीं रहा तो आप किसको बोलोगे खत्म हो गया, कोई खत्म हुआ क्या? जब खत्म ही नहीं हुआ तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कोई लिमिटिंग रिएजेंट मिला? कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट कहते ही किसको थे, वो रिएक्टेंट जिसके खत्म हो जाने से रिएक्शन रुक जाता था, वॉज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। कोई खत्म हुआ क्या तो रिएक्शन रुका क्या? क्लियर? तो क्या बात करेंगे, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट वैलिड है? अगर खत्म हो जाता तो ये तो जीरो हो जाता, अगर ये खत्म हो जाता तो ये जीरो हो जाता, और अगर जीरो हो गया तो रिवर्सिबल है ही नहीं। क्लियर है ना? हाँ रिवर्सिबल। अच्छा ये साइन देख रहे हैं, ये रिवर्सिबल लो आप लोग। क्लियर? कि अगर ये रिवर्सिबल है तो ये जीरो, और अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल। क्लियर? कोई दिक्कत, लिखो 4 रिवर्सिबल रिएक्शन। देयर इज नो मीनिंग ऑफ 4 रिवर्सिबल रिएक्शंस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ 4 रिवर्सिबल रिएक्शंस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ 4 रिवर्सिबल रिएक्शंस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एक्सेसिव और लिमिटिंग, या लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट, बिकॉज नन ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, बिकॉज नन ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी
कंप्लीटली कंज्यूम्ड बिकॉज नन ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड. रिएक्टेंट कोई भी एक रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, वट एवर क्लियर, इनमें से एक भी रिएक्टेंट जीरो नहीं हो सकता. क्लियर, ठीक. अगर जीरो हो गया तो भाई साहब फिर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है. पहले इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई. अब देखो, अब बात को समझो कि साहब ये घटता चला जा रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, हमने बोला कोई भी स्टेज चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर. अब यहां बात आती है किस चीज की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हियर. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन का एक स्टेज है. क्या है? एक स्टेज है, ठीक. जैसे अगर हमने बोला आपसे ये एक स्टेज है, ये एक स्टेज था, ये एक स्टेज है, देयर आर सो मेनी स्टेजेस जिसपे हमने आपको इंफॉर्मेशन दे रखा, बोलो दिया नहीं दिया, इन सारे ये सब तो टाइम ही तो है. आपने शुरू किया तो टाइम क्या था? जीरो. टाइम क्या था? जीरो, यही ना. ये टाइम T1, ये वाला टाइम T2, ये वाला टाइम T3, ये वाला टाइम T4 एंड सो ऑन, है ना. 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लियर है. ये बोलेंगे T10, ऐसे चल रहा है. ये सब टाइम पीरियड ही तो है, ये सब मोमेंट ही तो है, सिचुएशन ही तो है. क्लियर. ये सब स्टेज है किसका? रिएक्शन का. अब क्या बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेज है जहां पे फॉरवर्ड जाने का, बात पूरी समझना, फॉरवर्ड जाने का और वापस आने का रेट बराबर हो. क्या बराबर हो? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो. रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो तब उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम. तो हेडिंग डालो स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेज या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. हाँ जी. अगर जैसे यहाँ पे A में 9 है, ठीक. B में 3 होता हो ही नहीं सकता, है ना. 3 तब होता जब यहाँ 2 होता है, स्टोइकोमेट्रिक, वो तो स्टोइकोमेट्री से आएगा. क्लियर. वो तो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट था जो हम लोग कवर अप कर चुके. रिविजन नहीं कर रहे हो क्या? कर रहे हैं. अच्छा, हाइपोथेटिकल आ गया दिमाग में. चलिए सर, लिखिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. लिखिए इक्विलिब्रियम इज द स्टेज ऑफ, इक्विलिब्रियम इज द स्टेज ऑफ रिएक्शन. यहां पे इक्विलिब्रियम से मुराद केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल नहीं, ठीक. इक्विलिब्रियम इज द स्टेज ऑफ रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल. इक्विलिब्रियम इज द स्टेज ऑफ रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल. रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल. क्लियर है, समझ में आ रही बात? फॉरवर्ड जाने का रेट और बैकवर्ड आने का रेट, दोनों रेट क्या होगा? बराबर, ठीक. अब एक चीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन. क्या होता? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. तो लिखना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. कोई बात नहीं, हम यहां भी डिस्कस कर सकते हैं. रेट का मतलब तो तुम समझते ही हो, नॉर्मली किसी भी चीज का रेट, है ना. जैसे आप बात करते हो वेलोसिटी की, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द रेट. किसका रेट? डिस्प्लेसमेंट का रेट, है ना. एक्सेलरेशन, इट इज अ रेट. काय का रेट? वेलोसिटी का रेट. यस आर नो? क्लियर है. व्हाट इज फोर्स? इट इज अ रेट. किसका? मोमेंटम के चेंज का रेट. यस आर नो? ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है. रिएक्शन होने का मतलब क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट. और रेट का मतलब क्या, पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिए, है कि नहीं. तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता, तब क्या बोलेंगे, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट को आर बोला, कितना डिक्रीज हुआ. क्लियर. कितने टाइम में, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ
रिएक्शन, या इसी को और क्या लिख सकते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, कितने टाइम में, इट इज कॉल्ड सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन, नथिंग एल्स। क्लियर? चाहे तो रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर लो, चाहे प्रोडक्ट के टर्म्स में बात कर लो। मान लो मैंने तुमसे बोला क्या ये है टाइम, और ये टाइम मैंने बोला तुमसे 10 सेकंड लग गए, कितने 10 सेकंड लग गए, बताओ इस बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? वेरी गुड, है ना। यहां से यहां आए तो फाइनल क्या है? 1। इनिशियल क्या था? 0। चेंज कितना है? 1। क्लियर? टाइम कितना लगा? 10। क्लियर? तो 1/10, 1/10। यहां से निकाल लो तुम यही चीज रिएक्टेंट के टर्म्स में, तब भी क्या बोलोगे? कितने का डिक्रीज हुआ, है ना। तो 10 माइनस 9 कितने का डिक्रीज? 1 का। क्लियर? डिवाइडेड बाय टाइम 10, तो दोनों में तो एक ही बात है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब एक बात क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता? कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसके? रिएक्टेंट के। किसके कॉन्सेंट्रेशन के, है ना। रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट चलेगा। सोच के देखो, टंकी से पानी आता है ना नीचे, सिंपल सोच के देखो, है ना। तो तुम्हारे नल से पानी निकलता है, जब टंकी भरी होती तो नल तेज चलता है, जब जब टंकी खाली होने वाली होती है तब नल तेज चलता है, भरी होती है तब। यस आर नो? व्हाई? बिकॉज वहां पे अमाउंट ज्यादा है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ, यही तो बात है। अच्छा, अब ध्यान से, अगर जो इधर से इधर जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना। और इधर से जो इधर आ रहे हैं इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ। इस फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए। और बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? बी। बेटा कोई दिक्कत? तो अगर मैं यहीं से बोलूं इसी मुद्दा से कि बताओ भाई साहब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए। क्लियर? सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बी के। यस आर नो? कोई दिक्कत? तो यहीं से लिख सकते हैं ना, क्या कोई कॉन्स्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड है ना, लगा दो कोई कॉन्स्टेंट, लेट से के एफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही ना। और यहां से क्या लिख दूं? रेट ऑफ बैकवर्ड कोई कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्स्टेंट के बी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कोई तकलीफ है तो बोलो, एनी डाउट? क्लियर? और अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, इक्विलिब्रियम क्या होता, वो स्टेज जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर। तो क्या बोलोगे तुम? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ, यस आर नो? फॉरवर्ड की जगह क्या है? के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। और बैकवर्ड की जगह क्या है? के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यही ना। क्लियर? तो अब यहां से मैं क्या लिख दूं? के एफ अपॉन के बी बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकता हूं मैं, बोलो जी, कोई दिक्कत? इसी के एफ अपॉन के बी को बोलते हैं के ई क्यू या के टी एच, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या थर्मोडायनेमिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किसके बराबर हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये समझ में आया तुम्हें? क्लियर है? यहां से यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई? अब ध्यान से सुनो, क्या बोला हमने कि साहब ये चल रहा था आगे, ये चल रहा था आगे, तो शुरुआत में तो रिएक्टेंट है आपके पास 10, प्रोडक्ट क्या था? 0। प्रोडक्ट क्या था? यस आर नो? क्लियर? तो बैकवर्ड का कोई रेट होगा? शुरुआत में कोई बैकवर्ड का रेट होगा? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? शुरुआत में तो सिर्फ फॉरवर्ड। अब पूरी बात समझना, शुरुआत में तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ फॉरवर्ड चल रहा है, ऐसा एरो बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट, है ना, तो खूब अच्छा खासा फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है ही नहीं। थोड़े स्टेज के बाद, यहां आने के बाद क्या बोलोगे? फॉरवर्ड का रेट थोड़ा सा घट गया तो बैकवर्ड का रेट जरा सा बढ़ गया, थोड़े और आने के बाद फॉरवर्ड का और थोड़ा सा घट गया, बैकवर्ड का थोड़ा और बढ़ गया,
थोड़े जाने के बाद फॉरवर्ड का और घट गया, बैकवर्ड का थोड़ा और बढ़ गया, मेरी मर्जी, मैं जहां बराबर कर दूं। क्लियर? कोई दिक्कत? हमने बोला कि साहब यहां आया फॉरवर्ड का रेट और घट गया और बैकवर्ड का रेट और बढ़ गया, यहां फॉरवर्ड का रेट और घट गया और बैकवर्ड का रेट और बढ़ गया, यहां फॉरवर्ड का रेट और घट गया, और घट गया, फॉरवर्ड का रेट और घटा दो। तुम्हारा एक कंफ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं, है ना, ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, देखते ही वो तराजू समझते हैं, तराजू इक्विलिब्रियम तराजू नहीं है। क्लियर? ये और बढ़ गया, ले अभी बराबर नहीं, अब बराबर हो, मेरी मर्जी, मैंने बोला यहां बराबर किया। क्लियर है? है ना, तुम्हारी मर्जी यहां थी, तुम्हारा दिल यहां चाह रहा था, यही ना, इसी को भ्रम को तो दूर करना है। ये तो फर्क है किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में और फिजिकल इक्विलिब्रियम में। इन नेट फोर्स बराबर जीरो इज इक्वल टू रेस्ट थोड़ा ही है, या यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा ही है कि एक्सेलरेशन तब ना होगा जब नेट फोर्स बराबर जीरो। न्यूटन सेकंड लॉ चल रहा है सर, ये क्या चल रहा है? हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे इन दोनों का रेट क्या हो सकता, बराबर हो सकता, इन दोनों का रेट क्या हो सकता, बराबर हो सकता, नो डाउट। अच्छा सर, अभी तो आपने बोला कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये आता ना दिमाग में, दूसरी बात फट से आपका काउंटर जवाब आएगा, अच्छा सर ऐसे कैसे हो गया, काय पांच पांच पे बराबर नहीं होगा, अभी तो बोला आपने कि कॉन्सेंट्रेशन पे ही तो डिपेंड करता है, तो दोनों का तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो अब तो रेट बराबर होना चाहिए, तो हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नो डाउट, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम बड़ा घटा रहे नहीं कर रहे क्या, कि इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जा रहा है तो हम इस एरो को घटाते चले जा रहे, नहीं घटाते चले जा रहे, बहुत ध्यान से देखना इस डिस्कशन को, ब्लैक वाला का एरो घट रहा नहीं कर रहा लेंथ, और ये वाला जो रेड वाला है इसका बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, तो इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो बैकवर्ड बढ़ता चला जा रहा है, इसका अमाउंट घटता चला जा रहा है तो इसका रेट घटता चला जा रहा है, तो सर बराबर का ही नहीं हुआ, अमाउंट बराबर हो गया तो बराबर का ही नहीं हुआ। पहली तो ये बात बोलो, क्या ये बात सेटिस्फाई हुई? ये तो हो गई, बस बराबर वाला क्लियर नहीं हुआ। अब आओ, अब आओ, नो डॉट रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो था, है ना, अब जब बराबर किए तो ये फंक्शन किस किस चीज का है, इसका और इसका, खाली इसका है का? अगर ये सिर्फ इसका होता और ये सिर्फ इसका होता तब क्या बोलते हैं, तब तो बराबर होना ही है, यहां के एफ और के बी भी तो है। क्लियर है? हो सकता है कि मैंने बोला ये तो बेटा पांच और ये भी पांच, दोनों हो गए, मैंने बोला एक बार ये दो एक बार ये चार, अब बोल। क्लियर? और अगली बार बोला नहीं ये चार और ये दो है, तब क्लियर है? तो इन दोनों का भी तो अपना अपना दखल है, तो क्या तुम खाली कॉन्सेंट्रेशन से बराबर कर दोगे? तो ये मिथ तोड़ना होता सबसे पहले कि पांच पांच पे बराबर होगा, ऐसा कोई जरूरी, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम का स्टेज कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यही रुक जाता, यही 0.01 बदला, यही रुक गया, यही रेट हमने बराबर कर दिया, क्या दिक्कत है? और हो सकता हम खींचते हुए यहां ले गए और बोले ले बेटा अब आया इक्विलिब्रियम। क्लियर है? समझ में आ रही बात? नो डाउट रेट इज अमाउंट डिपेंडेंट बट इक्विलिब्रियम इज नॉट अमाउंट डिपेंडेंट। क्लियर? साफ साफ लिखना इस पॉइंट को, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इज, लिखना रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इज, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज, अमाउंट डिपेंडेंट, अमाउंट, अमाउंट डिपेंडेंट। क्लियर? बट इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम मे बी स्टैब्लिश्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ
द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्लियर, या इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आती है? समझ गए? कोई कंफ्यूजन? ठीक, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता? हाँ, मतलब रेट तो डिपेंड कर रहा है उस पर. क्लियर है? लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है, बिल्कुल शुरुआत में भी, बिल्कुल बीचों बीच, है ना, एंड में भी, कहीं भी, कोई भी स्टेज इक्विलिब्रियम का स्टेज हो सकता है, कोई दिक्कत. तो इससे क्या पता चला कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. इतनी बात तो क्लियर है. सिर्फ क्या बराबर होना चाहिए? रेट बराबर होना चाहिए. क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, एट इक्विलिब्रियम द नेसेसरी कंडीशन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन मस्ट बी सेम. क्लियर है? इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए? बराबर. रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए? बराबर. चाहे मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो या ना हो. क्लियर है? रिएक्टेंट का मोल ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो प्रोडक्ट से, डजंट मैटर. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन. कुछ रिएक्शन ऐसा होगा कि बराबरी पे रुकेगा, है ना, कुछ रिएक्शन ऐसा होगा, ठीक है, जो बिल्कुल एंड पे रुकेगा, कुछ रिएक्शन ऐसा होगा जो शुरुआत में ही रुक जाएगा. क्लियर? तो अब जनरल कहने का मतलब क्या है कि इफ वी हैव अ रिएक्शन लाइक दिस, ए गिविंग बी, तो अब क्या बोलोगे कि अगर हमने 10-10 से शुरू किया, है ना, तो इक्विलिब्रियम कहां आ सकता है बेटा? सोच के देखो, इक्विलिब्रियम कहां आ सकता है? 8-2 पे भी आ सकता, 5-5 पे भी आ सकता, 1-9 पे भी आ सकता. क्या? 10 और 0, है ना. क्या कह रहे हैं? काम करते करते पता चलेगा, है ना, रिएक्शन करते करते पता चलेगा. कि कैसे पता चलेगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे? मान लो कि हमने स्टार्ट किया कब? 12 बजे रिएक्शन को. ठीक है 12:10 पे ऐसा दिखा, 12:20 पे ऐसा दिखा, और 12:30 पे ऐसा दिख गया. मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन. और फिर हमने देखा 1 बजे रिएक्शन, फिर देखा 2 बजे, फिर 5 बजे, है ना, फिर 24 घंटे के बाद. क्लियर है? ऐसा देखते गए. और अगर हमें ऐसा मिला क्या कि ये अभी भी 1-9, ये अभी भी 1-9, ये अभी भी 1-9, ये अभी भी 1-9, तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा? इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया? कैसे समझा गया? कोई चेंज ही ना हो रहा सर. ये सर नो, तो हम कैसे समझ जाएंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया जब बोलेंगे उसके अंदर कोई चेंज ना हो? सर नो. क्लियर है? तो हम कैसे पकड़ लेंगे कि जब बोलेंगे ना रिएक्टेंट के मोल में कोई चेंज आ रहा, ना प्रोडक्ट के मोल में कोई चेंज आ रहा, तब हम बोलेंगे अच्छा इक्विलिब्रियम पॉसिबल. कैसे? पॉसिबल कैसे मतलब? इसका मतलब तो ये रिएक्शन रुक चुका है. रुका नहीं है, रुक जाता तब तो बात ही खत्म थी. रुका कहाँ है? हमने बोला कि दोनों साइड चल रहा. अभी क्या बोला? शुरुआत में क्या चला? हाँ, फॉरवर्ड चला, बैकवर्ड थोड़ा, फिर थोड़ा फॉरवर्ड घटा, बैकवर्ड बढ़ा. क्लियर? अब फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गए. इसका मतलब क्या? 1 सेकंड में इधर से इधर जितना मोल जा रहा है, उसी सेकंड में इधर से इधर भी उतना ही मोल आ गया. ये मतलब है इसका. क्लियर है? इसलिए इस इक्विलिब्रियम को स्टैटिक नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डायनामिक. क्या बोलेंगे? क्लियर है? तो लिखना, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर. केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर.
केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, दैट इज एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टिल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, स्टिल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, स्टिल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, बट नाउ विथ इक्वल रेट, बट नाउ विथ इक्वल रेट, क्लियर है, बट नाउ विथ इक्वल, इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है लेकिन इक्वल रेट से, क्लियर है। अब ये बात हम कैसे पकड़ेंगे कि रिएक्शन चल रहा है, इसके लिए भी प्रूफ है, तुम्हारा एनसीईआरटी में ही दे रखा है ना, वहां आइसोटोपिक इफेक्ट दे रखा अमोनिया के फॉर्मेशन में, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो अमोनिया बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर हम सिर्फ यही लेते तो हमें हर स्टेज पे N2H2 अमोनिया ही दिखता वेसल में, क्लियर। लेकिन अगर हम कुछ थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम, या हाइड्रोजन के साथ थोड़ा ड्यूटेरियम मिला दें, क्या मिला दें, तो अब क्या दिख रहा है, अब थोड़ी देर के बाद तुम्हें दिखेगा क्या, कि ये तो है ही, ये तो है ही, ये बना ही, क्लियर है, ठीक। उसके बाद तुम्हें क्या दिखने लगेगा कि साहब एक बार यहां क्या दिखना चाहिए, या यहां N2H2 NH3 हो गया, तो अब यहां क्या होना चाहिए, ND3 है ना, अब क्या दिखना चाहिए, ND3। थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे ND2H, NDH2, ND3, NH3, H2, D2, HD सब मिलने लगा, सब कुछ इस कैसे मिल रहा है, इसका मतलब इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, तोड़ जोड़ कंटिन्यूअसली चल रहा है, तभी तो वापस आकर के HD मिल गया, यस आर नो, क्लियर है। तो इस बात का प्रूफ है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाता है, क्लियर है, ठीक है। खैर वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता, दोनों डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर, और इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है, डायनेमिक, इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है, डायनेमिक, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपली ग्राफिकल सवाल पूछूं, ग्राफिकल सवाल, इसी से रिलेटेड ग्राफिकल सवाल भी पूछ दिए जाते हैं, तो जितना डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने किया, मैं सिर्फ उतने से आपसे पूछूं कि मान लो कि ये मैंने एक प्लॉट बनाया ऐसा कि ये है कॉन्सेंट्रेशन और ये है टाइम, टाइम ही तो बदल रहा, ठीक है। मैंने बोला कि ये एक स्टार्ट हुआ ऐसे और ये स्टार्ट हुआ ऐसे, ऐसे कोई दिक्कत। ये मैंने कहा ये है आपका रिएक्टेंट, क्या है, और ये है आपका प्रोडक्ट, क्या ये सही है कि गलत है। मान लो ये एक स्टेज ऑफ टाइम आया, इस टाइम के बाद ये दोनों पैरेलल हो गए, तो तुम क्या बोलोगे, बिल्कुल सही बात है, क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा लगातार, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, और एक टाइम आया जिसके बाद ना ये चेंज हो रहा ना ये चेंज हो रहा, तो इसी टाइम को बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम, बोले यस सर नो, बोलेंगे, कोई तकलीफ। अच्छा मैंने यही कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ऐसे बना दिया बेटा, लियो क्या कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऐसे और ये कॉन्सेंट्रेशन ऐसे, ठीक, और ये बोल दिया ऐसे और ये हो गया ऐसे और ये हो गया टाइम इक्विलिब्रियम, ये क्या हो गया टाइम इक्विलिब्रियम, ये क्या है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, ऐसा बना दिया मैंने। बताओ इन दोनों में कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, विच वन इज पॉसिबल, चलो हम एक और बना ही देते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, है ना, ये लो ये है फिर कॉन्सेंट्रेशन और ये है फिर टाइम, है कि नहीं, और हमने बोला ये लो ये ऐसे और भाई साहब ये ऐसे और यहां से दोनों मिल गए ऐसे, और हमने बोला अब ये है टाइम इक्विलिब्रियम का, क्लियर, ये था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये था प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये लो, तो पॉसिबल हो गया,
कौन कौन सा पॉसिबल हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, विच वन? पहले पढ़ो ना, ग्राफ बोल कह रहा है। पहले में ग्राफ ये कह रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, दोनों जिस टाइम बराबर हो गए उस टाइम से कोई चेंज नहीं आ रहा है, हो सकता है ना। अगले वाले ने बोला रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, ठीक है, क्लियर, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, एक टाइम आया जब दोनों बराबर हो गया, उसके बाद भी रिएक्शन चलता रहा, हो सकता है ना, क्लियर है, ठीक, और ये भी चलता रहा, और फिर एक टाइम आया जिसके बाद दोनों बराबर हो गया, क्या कोई चेंज नहीं हो रहा है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है, बट चेंज नहीं हो रहा, हमें चेंज ही तो नहीं होना चाहिए। ये तो बोला हमने कि यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता, तो अब जरा तुम बताओ ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला कौन सा सिचुएशन को बता रहा है? आराम से देखना, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है, कौन सा वाले को? तीसरे वाले को, वेरी गुड, है ना पॉसिबल, इक्विलिब्रियम तो कहीं भी आ सकता है, यस और नो? इक्विलिब्रियम के लिए इसका मोल बराबर होना जरूरी, बोला क्या मैंने? नहीं, क्या बोला? मोल में चेंज नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा चेंज, क्लियर है? अच्छा, पहला वाला, ये वाला, अब क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का मोल बराबर हो गया, ये कहां बता रहा है? तो बोलेंगे दूसरा वाला ग्राफ, यस और नो, दूसरा वाला कंडीशन, ये वाली कहां से बात है? अब क्या बोले कि घट रहा था, एक जगह पे आने के बाद रुक गया, ये बढ़ रहा था, बढ़ने के बाद रुक गया, क्लियर, और उस स्टेज पे ए का अमाउंट बी के अमाउंट से ज्यादा है, तो पहली कंडीशन है कि नहीं, कि रिएक्टेंट घटा तो घटा, प्रोडक्ट भी घटा, प्रोडक्ट बढ़ा, है ना, और ये घटते घटते रुक गया और बढ़ते बढ़ते रुक गया, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहां आ गया, यस आर नो? आपसे बोलेगा इन तीन में से कौन सा ग्राफ एक्सेप्टेबल है? बोलेंगे ऑल, क्लियर है, ये है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में प्लॉट, ठीक, छापो इसको जल्दी से। हाँ 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 पैरेलल मतलब दो पैरेलल ऐसे, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं स्टार्ट, है का? हाँ, मतलब टाइम जीरो से ले रहे हैं ना हम लोग, तो जीरो टाइम से लिए और आखिर तक देखते रहे, कहीं कोई चेंज ही नहीं मिला, इसका मतलब दोनों को अलग अलग कंटेनर में रख करके छोड़ दिए हो, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये सर ना, छापो जल्दी से, छापो इसको, नोट करो, नोट इट डाउन, समझ में आ रहा है भाई साहब? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा एक और जवाब दो यहीं पे, उसके बाद काम खत्म कर देना, बस एक जवाब और, ठीक, चलो। अगर मैं बोलूं, ये तो ब्लैक वाला सिचुएशन हो गया, अगर मैं बोलूं कि यही चीज अब मैंने रेट के लिए बोला, किसके लिए? रेट वर्सेस टाइम यहां भी, रेट वर्सेस टाइम यहां भी, और रेट वर्सेस टाइम यहां भी, अब बोलो भाई साहब पहला दूसरा तीसरा में से कौन सा ग्राफ सही है? कोई सा सही नहीं है, लो तीनों गए, तीनों लो, मतलब अब ये क्या है? ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, इसको जरा देख दो ठीक से, रेट ऑफ फॉरवर्ड घटना घट रहा है ना, और रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो गए, उसके बाद कभी चेंज ना हुए, तो फिर ना कैसे बोल दिए? अरे शुरुआत से का मतलब है, इक्विलिब्रियम से मतलब है कि शुरुआत में कभी बराबर होता है रेट, और जब बराबर होता है तो जाता ही काय को आगे, सोच के देखो, और शुरुआत में जब बात करोगे अगर वो जीरो लिया तो आगे जाएगा ही कैसे बैकवर्ड, है ना? तो ये वाला तो एक्सेप्टेबल है, चलो दूसरा वाले की बात कर लो, दूसरा वाला पॉसिबल है क्या? बोला इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कहां है? यहां, इक्विलिब्रियम पे ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये रेट ऑफ बैकवर्ड ना, यहां वाले में क्या, ये वाला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर नहीं हुए, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं, देखो ध्यान से, रेट वर्सेस टाइम बोलेंगे तो ओनली दैट वन इज एक्सेप्टेबल,
क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम बोलेंगे तो ऑल आर एक्सेप्टेबल। इतना पॉइंट क्लियर है? छापो जल्दी से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, तो पहले इसको डिस्कस कर लीजिए, सॉरी इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर शुरू करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।